आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके नाम से ही जाहिर है इलेक्ट्रो, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिकल वेव्स भी होंगी, और मैग्नेटिक का मतलब इसमें मैग्नेटिक वेव्स भी होंगी। ये ऐसी जिनकी प्रोपिगेशन और ट्रैवल के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, मतलब मीडियम हमें नहीं चाहिए होता, ये वैक्यूम के थ्रू जो है ट्रैवल कर लेती हैं, वैक्यूम में ही ये प्रोपिगेट हो जाती हैं। इनकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं टीवी वेव्स आ जाएंगी आपके पास, रेडियो वेव्स आ जाती हैं, इसके अलावा जो है हमारे पास आ जाती हैं एक्सरेज, हमारे पास एक्सरेज आ जाती हैं, हमारे पास गामा रेज आ जाती हैं, इसके अलावा माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, इसकी ये डिफरेंट टाइप्स में आ जाती है, इसकी एग्जांपल में आ जाती है कि हम इसे कहाँ कहाँ देखते हैं। इसके अलावा रडार वेव्स आ जाती हैं, विजिबल लाइट वेव आ जाती हैं, इंफ्रारेड वेव्स आ जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी इसमें आ जाती है। इसके अलावा जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट में मीडियम हमेशा में होता, मतलब कि इसके प्रोडक्शन के लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती, या क्योंकि थ्रू ये प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसके अलावा इनकी जो स्पीड है, इनकी ट्रैवल करने की स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, जो कि 3×10⁻⁸ किलोमीटर पर 8 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होती है, यानी कि ये स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से ट्रैवल करती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ना, उन्हें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाई चेंजिंग द फ्लक्स। अगर हम लोग फ्लक्स को चेंज कर लें फ्लक्स को, तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब फ्लक्स हमें किस चीज़ का चेंज करना पड़ेगा? अगर तो हम लोग चेंज कर लें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को, फॉर एग्जांपल कि हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वेव है वो कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल वेव और मैग्नेटिक वेव का, मतलब कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों की। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स चेंज करूँ तो क्या तब्दीली आएगी, उसे भी हम देख लेते हैं। और अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से क्या तब्दीली आएगी, उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स चेंज करते हैं तो हमारे मैग्नेटिक, यहाँ पर हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब कि आपस में इस तरीके से लिंक है कि अगर एक के, मतलब कि देखा जाए तो आपस में रिवर्स भी है ना, कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होती है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दें, या आप सोचें कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होनी चाहिए, तो उसको हम लोग अगर निग्लेक्ट कर दें तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो एक पार्ट है वो तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा ना, हम लोग वो काम नहीं करना चाहते। इसका जो फंक्शन है वो यही है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को हम जब भी चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स आप उसका चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये प्रोड्यूस किस तरीके से होती है? ये इस तरीके से होती है कि इलेक्ट्रिकल वेव और मैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर हम लोग इन्हें प्रोपिगेट करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके से हमारे पास प्रोड्यूस होती है, तो लेट्स से हम लोग इन्हें इस तरीके से बना सकते हैं कि ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल वेव वेव आ रही है, ये इलेक्ट्रिकल वेव है, और अब हमारे पास जो मैग्नेटिक वेव आएगी वो कुछ इस तरीके से है, वो हमारे इलेक्ट्रिकल वेव से जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आती है। लेट्स से कि वो इस तरीके से आती है हमारे पास, थोड़ा सा यूँ होके यूँ, और यहाँ से इस तरीके से ये जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ, जो मैग्नेटिक वेव आ जाती है, और जो नीचे वाली वेव्स हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल वेव आ जाती हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास कहलाता है कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिनकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, और इनका जो रिलेशन है वो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू बी एम के इक्वल होता है। ये इनका रिलेशनशिप है कि आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, थ्रू एन इक्वेशन, मैथमेटिकल इन्हें हम लोग इक्वेशन के थ्रू इस तरीके से बता सकते हैं, और वैसे ही आपस में रिलेटेड होती है और एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है। अब इसकी प्रोपगेशन देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसकी ट्रांसमिशन थ्रू एंटीना देखते हैं, ट्रांसमिशन एंटीना। इसकी ट्रांसमिशन यानी कि इसका प्रोडक्शन जो है एंटीना से किस तरीके से ट्रांसमिट होती है, इसके बारे में आज हम समझ लेते हैं। अगर एंटीना के थ्रू ट्रांसमिशन हो तो उसमें हमें तीन चीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। अभी तीन चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले तो हमें एक मेटेलिक वायर चाहिए होती है, यहाँ पर लिख लेते हैं मेटेलिक, ये हमारे पास मेटेलिक वायर आ गई,
इसके बाद हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, ट्रांसफार्मर। इसके बाद जो है हमें यहाँ पर एक एसी सोर्स भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है इस पूरे चैप्टर के अंदर, अब तक हम लोगों ने चैप्टर 16 में जितने भी वीडियोस देखी हैं उन सब वीडियोस के अंदर हम लोगों ने एक ही बात की है, अल्टरनेटिव करंट। क्योंकि सारे के सारे सिस्टम अल्टरनेटिव करंट के साथ ही लिंक होते हैं, तो हम यहाँ पर अल्टरनेटिव करंट की बात ही करेंगे। यहाँ पर हमें एक अल्टरनेटिव करंट सोर्स की ज़रूरत होती है। बेसिकली जो इसका सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है एसी सोर्स लगा होता है, ये हमारे पास जो है एसी सोर्स आ गया, ये एसी सोर्स जो है यहाँ पर हमारे पास इंडक्टर के साथ यूँ कनेक्ट होता है, यहाँ पर एक इंडक्टर लगा होता है ये इस तरीके से, और इसे हम लोग टी कह देते हैं। और इसके आगे जो है यहाँ पर हमारे पास वायर लगी होती है, क्योंकि हमने कहा है कि हमें वायर का पेयर चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग वायर भी इसी के साथ ही लगा देते ताकि ये पेयर बन जाए। ये हमारे पास वायर है और ये हमारे पास एक कम्प्लीट सर्किट है ट्रांसमिशन के लिए, एंटीना का जो कम्प्लीट सर्किट है वो इस तरीके से है। अब इसकी प्रोपेगेशन कैसे होती है, इसकी प्रोपेगेशन इस तरीके से होती है, चूँकि हमने इसे एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है और हमें ये भी मालूम है कि ये जो है हमारे पास एक मेटालिक वायर है, मेटालिक वायर के अंदर आपको मालूम है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने मेटल डिटेक्टर के अंदर बात की थी कि उसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल भी यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन का होना मस्ट है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ट्रांसमिशन करानी है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो ऑसिलेशन है वो होना मस्ट है। जैसे ही हम इसे सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो होता क्या है कि हमारी इस वायर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन की वजह से, एक्सेलरेट करने की वजह से, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। और वो प्रोड्यूस इस तरह से होती हैं कि लेट्स से कि हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़ीरो टाइम से, ये किसी न किसी टाइम के अंदर ही काम हो रहा होता है ना। अगर हम लोग सपोज कर लें कि हमारा जो टाइम है वो स्टार्टिंग में ज़ीरो है, तो उस वक्त हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट नहीं होती और उस वक्त दोनों जो एंड हैं वो न्यूट्रल होती हैं। इस वायर के दोनों, चूँकि हमारे पास पेयर ऑफ वायर्स है ना इस तरीके से, तो इस वायर के अंदर जो है ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्स होता है। इस वायर के अपर एंड और लोअर एंड पे कोई भी हमारे पास जो है दोनों जो न्यूट्रल होते हैं, कोई भी चार्जेस इनके ऊपर नहीं आए होते। लेकिन जैसे ही हमारा टाइम T/4 गुजरता है, तो उस T/4 टाइम के अंदर जो हमारा T/4 टाइम है उसमें हमारा जो टॉप एंड होता है इस वायर का, टॉप पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाते हैं और बॉटम पे जो है हमारे पास नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से। ये हमने बात की थी, अभी हमारी वायर है, ये हमारे पास एसी सोर्स है। तो जैसे T/4 टाइम गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशन की वजह से इस तरीके से हमारे पास जो है अपर पर उस वायर के टॉप पर जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस और बॉटम पे नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से जो है ई को अपवर्ड पॉजिटिव और ई को डाउनवर्ड नेगेटिव बना सकते हैं। और यहाँ पर जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो वेव्स कुछ इस तरीके से हैं, यहाँ पर पहले वेव्स बना लेनी चाहिए ताकि हमें आसानी से काम समझने में आसानी हो। यहाँ पर अभी हमारी जो वेव है वो सिंपल हाफ प्रोड्यूस होगी इस तरीके से, चूँकि अभी T/4 टाइम पास हुआ है तो हमारे पास जो है वो एक वेव का चौथाई हिस्सा ही बनेगा। इसके बाद जैसे ही हमारा टाइम जो है T/2 होता है, जैसे ही एक आधा टाइम गुजर जाता है, मतलब T/2 है, हम लोग मिड में आ गए हैं, तो क्या होता है कि अब हमारा जो बॉटम है इस और जो हमारा टॉप है दोनों ही न्यूट्रल हो जाते हैं। यानी कि इस सिचुएशन में जब हम पहुंचते हैं तो बॉटम और टॉप दोनों ही न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल इस सेंस में हो जाती हैं कि यहाँ पर हमारे पास वायर में ना अपर कोई चार्जेस आता है ना लोअर कोई चार्जेस आता है, और यहाँ पर हमारी जो ये हाफ वेव है वो कंप्लीट हो जाती है और इस वेव की जो है ये इस तरीके से बन जाती है। जैसे ही अब हमारे पास जो टाइम है टाइम 3/T हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3T/4 टाइम पास हो जाता है, तो अब हमारे पास केस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास बॉटम पे पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे और जो हमारे पास टॉप है टॉप पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे, और हमारे पास कुछ इस तरीके से वायर के अंदर काम हो रहा होगा कि हमारे जो बॉटम है उस पे पॉजिटिव चार्जेस और जो हमारा टॉप है उस पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे, और जो हमारा वेव की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, चूँकि अपवर्ड तो बन गई ना, वेव ने डाउनवर्ड जाना है, तो हाफ वेव डाउनवर्ड जाएगी और इसके बाद ही मतलब कि पहली वेव तो हमारे पास ही आ रही है वो एज इट इज ही रहेगी। लेकिन अब हमारा काम चूँकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद जो है हमारे इस तरीके से इस फंक्शन के अंदर जब हमारा टाइम 3T/4 होता है तो ये हमारे पास वेव बनना शुरू हो जाती है, और पीछे वाली वेव्स तो जो है वो प्रेजेंट ही रहती है इस तरीके से। अब जैसे ही टाइम टी कम्प्लीट होता है, मतलब कि हमारा टाइम टी कम्प्लीट हो गया है, तो इस सिचुएशन में जाके क्या होता है फिर दोबारा से दोनों एंड जो है हमारे पास न्यूट्रल आ जाते हैं।
टाइम टी पे हमारे पास दोबारा न्यूट्रल केस आ जाता है, तो न्यूट्रल केस में क्या होता है, ना अपवर्ड कोई चार्ज आता है ना डाउनवर्ड कोई चार्ज आता है, और वेव यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो जाती है, यानी कि पहली आधी वेव कंप्लीट हुई थी इस तरीके से, अब ये मज़ीद आधी कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट वेव इस तरीके से बना देती है, और पीछे वाली वेव जो है वो हमारे पास इस तरीके से चलती आ रही है, तो ये इस तरीके से एक कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है। अब आप पूछना चाहेंगे कि इसमें मैग्नेटिक वेव कहाँ पर है। मैग्नेटिक वेव इस तरीके से बनती है कि हमने बात की है कि हमारा जो ये वायर है ये चूँकि मेटेलिक वायर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन हो रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन होती है तो इसके अंदर से जो है आपको मालूम है कि जब भी चार्जेस मोशन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में हो तो किसी भी मेटेलिक वायर के अंदर से जो है करंट पास करना शुरू हो जाता है, जैसे करंट इसके अंदर से पास करना शुरू हो जाता है तो इसकी साइड्स पे जो है सर्कुलर वेव में जो है हमारे पास मैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, तो ये मैग्नेटिक वेव जो है मैग्नेटिक वेव की जो इस तरह से आ जाती है, उसकी जो वेव बनती है वो कुछ इस तरीके से आ जाती है जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिकल वेव की आई है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल वेव्स हमारे पास इस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं कि हमारे चार्जेस जस्ट ऑसिलेशन करते हैं उस वायर के अंदर, और टाइम एक पूरे हम लोग अगर टाइम को कंसीडर करें तो उस टाइम के हम लोग चार पार्ट कर लेते हैं। पहले हिस्से में क्या होता है कि टॉप में हमारे पास पॉजिटिव और डाउनवर्ड हमारे पास नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं और हमारे पास इस तरीके की वेव बनती है, वेव का जो थाई हिस्सा जैसे ही टाइम आधा गुजरता है तो फिर न्यूट्रल कंडीशन आती है और वेव का आधा हिस्सा कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही टाइम का जो है तीसरा हिस्सा कंप्लीट होता है तो इस तीसरे हिस्से के कंप्लीट होने से हमारे पास जो है बॉटम पे या पॉजिटिव चल जाते हैं और जो टॉप है उस पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, और यहाँ पर जो है हमारे पास डाउनवर्ड वेव का यानी कि वेव के कंप्लीट होने का जो तीसरा हिस्सा है वो भी कंप्लीट हो जाता है, और जैसे ही टाइम का चौथा हिस्सा आता है तो वेव कंप्लीट हो जाती है, उसके चार हिस्से कंप्लीट हो जाते हैं और जो टाइम का चौथा हिस्सा है वहाँ पर आकर फिर हमारे पास न्यूट्रल कंडीशन अप्लाई हो जाती है, और मैग्नेटिक वेव हमारे पास इस तरीके से प्रोड्यूस होती है कि जैसे ही हमारे चार्जेस जो हैं वो पास करते हैं उस वायर के अंदर से तो उसके अंदर से जो करंट है वो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव सोर्स भी लगा हुआ है तो करंट तो प्रोड्यूस होगा, जैसे ही करंट प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी अगर वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा हो तो सर्कुलर डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आना शुरू हो जाती है, तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एट अ टाइम प्रोड्यूस होती हैं, इनमें से ये नहीं होता कि एक चीज़ पहले प्रोड्यूस होगी और एक चीज़ बाद में, नहीं बल्कि ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम ही हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, और इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी जैसे कि हम लोगों ने तरीका बताया था कि ये हमारे पास ई और ये बी है, ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, अगर ये हमारे पास जो है ई जा रही है तो हमारे पास जो बी की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर ही ऑपोजिट होती है, अब जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से जाएगी, यू इसके ऊपर ही होती है और ये दोनों जो हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कि प्रोड्यूस दोनों ही होते हैं, इस तरह कह सकते हैं कि एक वेव का जो हिस्सा है इन दोनों पे कंसिस्ट होता है, ये बी है और ये ई है, इन दोनों ने मिलकर एक कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनानी है। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू ट्यूनिंग सर्किट अगर हम बात करें तो ट्यूनिंग सर्किट के थ्रू भी हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो जाती है, इसमें क्या होती है हमारे पास एक वायर होती है, वो वायर जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है या वो हमारे पास लूप की फॉर्म में भी आ सकती है, ये हमारे पास वायर होती है, इसके अलावा हम लोग जो है इंडक्टर को भी यूज़ करते हैं, हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर भी होता है, हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस भी होती है, इस रेजिस्टेंस को जब हम लोग जो है ट्यूनिंग सर्किट के अंदर लगाते हैं तो लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इसके अक्रॉस जो है अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। इसके जो सर्किट डायग्राम है वो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि ये हमें मालूम है कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड आएंगी यहाँ पर ई पॉजिटिव और डाउनवर्ड ई जो है नेगेटिव होगा, तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाएंगी। इसके आगे यहाँ पर और हमें मालूम है कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी जो इसकी स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, इसमें जो ट्यूनिंग सर्किट में हमारे पास वायर होती है ना यहाँ पर वायर वो इस तरीके से होती है, हमें मालूम है कि यहाँ पे पेयर ऑफ वायर तो होना ज़रूरी है, इसके बाद यहाँ पर एक सर्किट होता है जिसके अंदर ये इंडक्टर लगा होता है, इंडक्टर के बाद यहाँ पर हमारे पास ट्यूनिंग सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर के बाद यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस लगी होती है और जिसके अक्रॉस इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अब्जॉर्ब होना होता है, और जो कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं वो हम वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ करते हैं यहाँ पर, और इसको यूज़ करने से पहले हम लोग जो है रेजिस्टेंस और वेरिएबल कैपेसिटर के दरमियान यहाँ पर एक एम्पलीफायर भी इस्तेमाल करते हैं, ये हम एक एम्पलीफायर यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इन्हेंस करके इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर सकें। अब सबसे पहले इसका काम क्या होता है,
हमें मालूम है कि हमारी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये टाइम किसी ना किसी टाइम इंटरवल के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और हमें ये भी मालूम था कि किसी इसी सेम में हो सकता है ये पॉजिटिव हो, डाउनवर्ड जाते हुए ये नेगेटिव सर्कल में साइकिल में आ गई हो। तो जब ये पॉजिटिव होती है तो यहाँ पर भी टॉप पर पॉजिटिव ही आ जाता है, और जब नेगेटिव होती है तो नेगेटिव आ जाता है। तो हमारे पास जो करंट है वो थ्रू इनकी ऑसिलेशन की वजह से बार बार पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की वजह से ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है, और उस ऑसिलेशन की वजह से जो है वो करंट फ्लो होता है थ्रू RLC सर्किट। चूँकि ये RLC सर्किट है तो इस RLC सर्किट के अंदर से जो है वो उस वक्त करंट पास कर रहा होता है, और जो वेव्स होती हैं वो इसके अक्रॉस ऑब्जॉर्व होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हमें ये तो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिटेक्शन के लिए है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिटेक्शन ऐसे हो जाती है कि टॉप में बाज़ अवत पॉजिटिव आ जाता है, हो सकता है कि टॉप से हम लोग इस तरीके से इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग बॉटम बनाएं या पहले हम लोग टॉप बनाएं, तो इस पर डिपेंड करता है कि कब इस पर पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं कब इस पर नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। मतलब कि हमने जो वेव बनाई थी वो इस तरीके से थी, ये वाली वेव हम पे तब बनी थी जब हम लोग नेगेटिव चार्जेस में आ रहे थे, और ये तब बनी थी जब टॉप पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस थे। अगर मैं इसे रिवर्स करके यहाँ पर ले आऊँ तो ये उस वक्त बनेगी जब पॉजिटिव चार्जेस थे, ये उस वक्त बनेगी जब नेगेटिव चार्जेस थे। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रोपेगेशन है उसके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव का केस आता है तो उसी के लिहाज से जो है ऑसिलेशन होती है, और उसके ऑसिलेशन से जो है करंट प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डिटेक्शन के लिए हमें थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज करना पड़ता है। हमें मालूम है कि हमारी मैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, होती तो वो भी बिल्कुल वेव्स की तरह ही है लेकिन थोड़ी टिल्टेड वेव होती हैं इस तरीके से। इसे थोड़ा सा स्ट्रेट कर लें, ये बी है हमारे पास, और जो हमारी जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो कुछ हमारे पास इस तरीके से टिल्ड होकर आती हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक वेव है। तो इनकी डिटेक्शन के लिए क्या होता है कि सर्किट हमारा वही होता है, इंडक्टर हमारा सेम होता है, रेजिस्टेंस भी सेम होती है, यहाँ पर वेरिएबल कैपेसिटर भी सेम होता है, एम्पलीफायर भी लगा होता है, लेकिन यहाँ पर जिस लूप सा हमें बनाना पड़ता है वो लूप जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करता है। और इसका जो जनरल सर्किट है वो जनरल सर्किट इस तरीके से बना होता है कि इंडक्टर है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जाके वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और यहाँ से इसे कनेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ पर हमारे पास एंटीना लगा होता है, और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस तरीके से डिटेक्ट कर लेता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी चीज़ इसकी आसानी से ही डिटेक्ट नहीं कर सकती, मतलब ये नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है और आपका एंटीना से डिटेक्ट कर जा रहा है, ये नहीं होता, बल्कि सबसे मेजर फैक्टर जो है इसमें फ्रिक्वेंसी होती है। आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो मस्ट डिपेंड करती है। इसका डिपेंड करने का मतलब ये है कि ये एंटीना इसकी जितनी भी फ्रिक्वेंसी होगी, मतलब कि अगर इसकी फ्रिक्वेंसी 1/2 पाई अंडर LC, फॉर एग्जांपल कि इसकी वैल्यू कुछ है, अलग से हम लोग सपोज कर देते हैं 6.3 है, तो ये सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकती है जिनकी फ्रिक्वेंसी उस वक्त 3.6 होगी। बाकी चाहे आपके पास एटमॉस्फेयर में उस वक्त कितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों, लेकिन आपका ये जो एंटीना है जिसकी फ्रिक्वेंसी सेट है 6.3 पे, ये सिर्फ 6.3 की ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करेगा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हम लोग जो है ओल्डन एज में रेडियोस वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो इस रेडियो में यहाँ पर जो है एक एंटीना लगा होता था और यहाँ पर नॉब लगी हुई थी होती थी। उस नॉब से जो क्या काम होता था कि उस नॉब को हम लोग मूव करते चले जाते थे और बाज़ अपने एंटीना को भी हिलाते थे, तो इस नॉब से जो है हम उसकी फ्रिक्वेंसी को सेट करते रहते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि रेडियो को अगर आप कभी देखें ना किसी भी पुराने रेडियो को ऑन करके, तो उसको जब ऑन कर रहे होते हैं ना तो खटखट की आवाज़ आ रही होती है, मतलब कि आपको कुछ जो है ट्रांसमिशन वो क्लियर नहीं मिल रही होती। उसकी वजह ये होती है कि आपकी फ्रिक्वेंसी उनकी फ्रिक्वेंसी से सही तरह से मैच नहीं कर रही होती, तो आपको आपके एंटीना को सही करना पड़ता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही सेकंड पार्ट की बात करते हैं। हमने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रिक्वेंसी पे किस तरीके से डिपेंड करती है, हमने जैसे लास्ट में एग्जांपल ली थी रेडियो की, हम लोगों ने बताया था कि जो रेडियो है उसमें एक एंटीना लगा होता है और साइड पे हमारे पास नॉब होती है। अब हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि जो रेडियो है वो ट्रांसमिशन से डिटेक्ट करता है, मतलब कि ट्रांसमिशन को रिसीव करके फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हमें ट्रांसमिशन सुनाता है। अब आपको मालूम है कि जब भी रेडियो को ऑन करें तो अक्सर होता है कि हमें ट्रांसमिशन जो है क्लियरली साउंड में समझ नहीं आ रही होती, तो हम अपने नॉब को जो है मूव करना शुरू कर देते हैं या एंटीना को जो है हम लोग छेड़ रहे होते हैं, एंटीना को सेट कर रहे होते हैं कि किस पॉइंट पे जाके हमें फ्रिक्वेंसी सही तरह से मिल सकती है या किस पॉइंट पे जाके हमें सही आवाज़ की डिटेक्शन हो सकती है, सही हमें जो है वो ट्रांसमिशन सुनाई दे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसे मूव करते चले जाते हैं और जिस पॉइंट पर हमें ट्रांसमिशन एग्जैक्ट नज़र सुनाई देती है हम वहाँ पर इसे स्टॉप कर देते हैं।
होता क्या है कि हमारे इस नॉब की जो फ्रिक्वेंसी है वो अगर उस फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की उन फ्रिक्वेंसी के साथ मैचअप कर जाए जो उस वक्त उस सेंटर से आ रही होती हैं, उस सेंटर से जहाँ से जिसकी ट्रांसमिशन आप सुनना चाह रहे हैं, अगर उसे एग्जैक्ट मैच कर जाती है तो ही आपको ट्रांसमिशन क्लियरली सुनाई देती है। क्योंकि आपका ये एंटीना है सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकता है जिसकी फ्रिक्वेंसी आपकी इस रेडियो के अंदर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करती है। तो इसलिए आप इसे मूव करते चले जाते हैं ताकि उस फ्रिक्वेंसी के साथ आप मैच कर सकें। और ये जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास डिपेंड करती है उसके इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर। इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर ही हमारी फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है। जब हम फ्रिक्वेंसी को सेट कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोग अपनी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को सेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है अंडर रूट LC इनटू 2π पे। तो इसका मतलब है हम इसे बेसिकली सेट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है और हमारे जो स्पेस में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी हमारी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करती है उसको डिटेक्ट कर लेती हैं। अब इसी को मजीद आगे बढ़ाते हैं। इसी फ्रिक्वेंसी की टाइप में, मतलब कि इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो है एक मॉड्यूलेशन की टाइप आ जाती है। मॉड्यूलेशन क्या होती है? मॉड्यूलेशन एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को कंबाइन कर लेते हैं। मतलब कि इसे इस तरीके से समझाया जा सकता है कि हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को हम जब कंबाइन कर लेते हैं हमारे यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल से, ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ, इन दोनों का जो कम्बिनेशन है ये हमारे पास मॉड्यूलेशन कहलाता है, मॉड्यूलेशन। और ये चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की बात हो रही है तो मॉड्यूलेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ही एक टर्म आ जाती है जिसके अंदर हम लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को आपस में कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस हो जाती है। इसकी टाइप में या इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं जैसे कि जो टीवी या रेडियो वेव्स हैं ना उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये मॉड्यूलेशन वेव्स हैं जो कि मॉड्यूलेटेड सर्किट से प्रोड्यूस हुई हैं। और वो कैसे प्रोड्यूस हुई हैं कि उस सर्किट ने हमारे पास क्या किया था कि लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी को आपस में कंबाइन कर दिया था। अब इन दोनों की टाइप भी होती है, मॉड्यूलेशन सिर्फ एक ही टाइप की नहीं है, हमारे पास इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। जैसे कि इसकी फर्स्ट टाइप जिसे हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आ जाती है। इस मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी जो है जो एक हमारे पास कैरियर वेव होती है, जैसे कि हमने भी बात की ना कि हम जब रेडियो के अंदर ऑलमोस्ट जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं, पैदा होती हैं, मतलब कि पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम एंटीना से मैचअप कर रहे होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एक कैरियर वेव लेते हैं, इस कैरियर वेव की जो एम्पलीट्यूड है उसको, उस एम्पलीट्यूड को हम लोग मैच कर रहे होते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। यहाँ पर हमारे पास एक मॉड्यूलेटेड वेव होती है, इस तरीके से ये हमारे पास जो है एक मॉड्यूलेटेड वेव आ जाती है। ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी को हम लोगों ने सेट किया होता है या उसे कह लीजिए कि वो कांस्टेंट रखी होती है, और इस फ्रिक्वेंसी को यानी कि मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटेड जो वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी सेट है उसके एम्पलीट्यूड को जो हमारे पास कैरियर वेव आई है ना उसके एम्पलीट्यूड के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं और उस लिहाज से अपने जो है कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे होते हैं। तो ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, जाहिर सी बात है एक ये फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आ जाता है, एक ये फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आ जाता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर यहाँ पर हमारे पास एक मॉड्यूलेटेड वेव बन जाती है। उसे हम लोग कहते हैं कि ये AM मॉड्यूलेटेड वेव है, मतलब कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, इसलिए इसे हम लोग AM से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी की रेंज आती है वो फ्रिक्वेंसी की रेंज जो है हमारे पास 14 kHz से लेकर जो है 1600 kHz तक जाती है। अब इसके अलावा अगर हम लोग कहें कि अगर हम फ्रिक्वेंसी को रहने दें बल्कि एम्पलीट्यूड की बात करें, मतलब कि अभी हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात की है जिसमें हम लोग एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे थे, लेकिन दूसरी जो टाइप है उसमें हम लोगों को फ्रिक्वेंसी को चेंज करना पड़ता है, तो दूसरी जो टाइप होगी वो हमारे पास होगी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगी। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होती है कि हम अपने कैरियर वेव जो है कैरियर वेव की जो है फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हैं और जो हमारी मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी मॉड्यूलेटेड वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमने फिक्स किया होता है और उसकी फ्रिक्वेंसी को हम लोग वेरी कर रहे होते हैं अपनी जो कैरियर वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ। लेट्स से कि ये हमारी जो है कैरियर वेव है जिसकी जो है
इसकी कैरियर वेव की हम लोग फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे होते हैं जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो है वो हमने फिक्स किया होता है इस तरीके से। तो हमारे पास जो इसकी डायग्राम बनती है वो तरीके से बनती है कि लेट्स से कि ये हमारे पास कैरियर वेव आ रही थी, इस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने अपनी मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच किया, जबकि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हम लोगों ने फिक्स रखा। तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो हो सकता है वो कहीं लो होगी, जैसे कि इस पॉइंट पे हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी थी, फिर यहाँ पर जाके हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई हो जाती है, फिर यहाँ पर आके हमारे पास लो हो जाती है, फिर यहाँ पर जाके हमारे पास हाई हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन दोनों के कम्बिनेशन से यानी कि मॉड्यूलेटेड वेव की ऐसी टाइप ली जिसमें उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही हो लेकिन एम्पलीट्यूड सेम हो, उससे कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से वेव बनती हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी आती है वहाँ पर इस तरह की वेव और जहाँ लो फ्रीक्वेंसी आती है वहाँ इस तरह की वेव। क्योंकि अब ये लो और हाई फ्रीक्वेंसी के कम्बिनेशन से एक वेव बनी है जिसे हम लोग FM या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव कहेंगे, उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी आ गई वहाँ इस तरीके से, जहाँ लो फ्रीक्वेंसी आ गई वहाँ इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज आती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो 88 मेगा हर्ट्ज से लेकर हमारे पास 108 मेगा हर्ट्ज तक जाती है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी FM की जो फ्रीक्वेंसी हुई वो जो है AM से बढ़कर हुई, क्योंकि AM की जो है वो किलो हर्ट्ज में जाती है और इसकी मेगा हर्ट्ज में जाती है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से ज़्यादा बेहतर हुई। और ये जो हमारी FM वेव है ये जो है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, मतलब कि कोई भी अगर एटमॉस्फेयर में FM की जगह जो है FM के साथ कोई भी और इलेक्ट्रिकल वेव्स आ रही हैं जो कि इसके रास्ते में रुकावट बन रही हैं तो ये उनसे लेस इफेक्टेड होती है, जबकि हमारी AM जो है वो ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है अगर उनके प्रोडक्शन की वेव में कोई भी आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस आ रहा हो तो वो ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। इसके अलावा जो हमारी FM वेव्स हैं उनका एक डिसएडवांटेज भी होता है, मतलब कि AM का जो है एक एडवांटेज हो सकता है। FM क्या करती हैं कि अगर रास्ते में कोई भी पहाड़ वगैरह आ गए हैं, कोई भी ऑब्स्टेकल आ गया है, तो जो FM है वो उसको इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, जबकि AM जो है वो ऑब्स्टेकल को भी पास कर जाती हैं, उतना ट्रैवल कर सकती हैं। तो ये हमारी कुछ वेव्स के बारे में था कि किस तरीके से हमारी AM और हमारी FM जो है काम करती हैं और मॉड्यूलेशन क्या चीज़ होती है और किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है। अगर किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी को सेट करना हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना ज़रूरी होता है।